वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों इस तरह का वीडियो बहुत ही तेज़ी के साथ वायरल होता है और कुछ दिन के बाद मदर्स डे भी आने वाला है, तो मैं स्काई चेंजिंग VFX वीडियो लेकर आ गया हूँ, जो मैंने काइन मास्टर के हेल्प से इस वीडियो को एडिट करके मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको दोस्तों इस तरह से आपको स्काई में कुछ एक्शन कर लेना है, उसके बाद दोस्तों स्काई जो वाइट है इसको हमको ग्रीन बनाना है। तो VN एप्लीकेशन की मदद से आप इस वाइट स्काई को ग्रीन बना लीजिए। इस पर मैंने वीडियो बना चुका हूँ, आप उस वीडियो का थंबनेल आप देख सकते हैं, मात्र 3 मिनट का वीडियो है। आप आसानी से इस वीडियो को देखकर वाइट स्काई को आप आसानी से ग्रीन बना लीजिएगा। उसके बाद चलिए आप काइन मास्टर एप्लीकेशन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों मैंने काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है, उसके बाद प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद 9:16 का रेशियो यहाँ पे सिलेक्शन करना है। उसके बाद दोस्तों काइन मास्टर का न्यू पेज यहाँ से ओपन हो जाएगा, उसके बाद इस वाले मीडिया का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, उसके बाद एक बैकग्राउंड लेना है। इस वीडियो में मैं जो भी कुछ चीज़ों का यूज करूँगा इसका लिंक आपको वीडियो पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप आसानी से कोई भी चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा जो इमेज है ऐसा इमेज को यहाँ पे लेना है, उसके बाद इस वाले इमेज को यहाँ पे कुछ ड्यूरेशन को बढ़ा देना है, उसके बाद यहाँ से लेयर में जाना है, उसके बाद यहाँ से मीडिया वाले ऑप्शन पे जाना है, उसके बाद यहाँ पे जिस वीडियो का आप स्काई ग्रीन बनाए हैं उस वीडियो के यहाँ पे ले सकते हैं, जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं। उसके बाद इस वाले वीडियो को यहाँ पे फुल स्क्रीन में कर देना है, उसके बाद यहाँ से जो अंत में कुछ भी एक्स्ट्रा पार्ट बचता है तो उसको यहाँ से कट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए कुछ पार्ट यहाँ से बच रहा है, तो कैची वाले ऑप्शन पे जाकर यहाँ ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट पे क्लिक कर देना है, जिससे कि फालतू पार्ट कट जाएगा। उसके बाद जो इस वाले वीडियो है इस पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद क्रोमा की के ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से इनेबल कर देना है, जिससे कि आपका जो ग्रीन स्काई वहाँ पर रिमूव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ तक हो जाने के बाद से आप जहाँ पर एक्शन कर रहे हैं यहाँ तक सर्च कीजिए, उसके बाद जो ऊपर वाले बैकग्राउंड इमेज है इस पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से कैची वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से स्प्लिट एट प्लेट पे क्लिक कर देना है, जिससे कि ये वीडियो दो पार्ट ये इमेज जो दो पार्टों में बट जाएगा। उसके बाद इस फर्स्ट वाला इमेज है इस पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद कैची के बगल में जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से नीचे वाले इस पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद से इस दोनों फिंगर की अंगुलियों से यहाँ पे जूम कर लेना है। यहाँ देख सकते हैं इस तरह से आपको जूम कर लेना है, उसके बाद ये वीडियो आपको कुछ इस तरह से आपको बन जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन है यहाँ पे आने के बाद से उसके बाद यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से मीडिया वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से एक वीडियो के लेना है, आप डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो को आप डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद जो कैची के बगल में जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद इसको यहाँ पे फुल स्क्रीन में कर देना है, उसके बाद इस जो वीडियो है इस पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से 3 डॉट का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है, और यहां से सेंड टू बैक का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है, जिससे कि वीडियो आपको पीछे चला जाएगा और ये वीडियो कंप्लीट बन जाएगा। आप यहां तक भी वीडियो रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहां पे आने के बाद से इस बार लेयर में जाना है, उसके बाद यहां से मीडिया में जाना है, उसके बाद से एक वीडियो के लेना है, आप उस वीडियो के आप देख लीजिए। इसी तरह का वीडियो आपको लेना है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको यहाँ पे फुल स्क्रीन में कर लेना है। उसके बाद यहाँ से बैक आ जाना है और यहाँ से साउंड वाले इसका साउंड को यहाँ पे म्यूट कर देना है, उसके बाद यहाँ से बैक आ जाना है, उसके बाद यहाँ से नीचे जाना है और यहाँ से ब्लेंडिंग का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से स्क्रीन का जो ऑप्शन है यहाँ से क्लिक करके यहाँ से इनेबल कर देना है, उसके बाद आपका वीडियो एकदम कंप्लीट बन जाएगा। उसके बाद इस वाले वीडियो में ऑडियो सिर्फ ऑडियो लगाना है, तो यहाँ से लेयर वाले जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से मीडिया वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद से ऑडियो लगाने के लिए
एक वीडियो है, इस वीडियो पे लेना है जो मैंने पहले से एडिट करके रखा था। उसके बाद से यहाँ से नीचे आ जाना है, उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं एक्स्ट्रा ऑडियो का ऑप्शन है, इस पर आपको एक बार यहाँ से क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से डिलीट का जो ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करके जो इस वाले वीडियो लाए हैं इसको आपको डिलीट कर देना है। ये वीडियो आपको कंप्लीट बन जाएगा और ये वीडियो काफ़ी मस्त से बन गया है दोस्तों। दोस्तों आपको यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।